पार्टी की ओर से भी इस बंद का समर्थन कर रहे हैं और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी जो ये किसान विरोधी बिल जो इन्होंने आन फान में सत्ता के बल पर बहुमत के बल पर उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह से इस बिल को बगैर चर्चा किए हुए पास कराए हैं, इसे स्पष्ट रूप से है ये बिल किसान के विरोधी में है। ये बंद आज पूरा हिंदुस्तान बंद है और ये जो सरकार है नरेंद्र मोदी सिर्फ 6-7 साल के अंदर में सिर्फ हिंदुस्तान के वासी पर घुमा फिरा के बोझ डालने का काम कर रही है, थोपा जा रहा है। भैया जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए ज़बरदस्ती थोपने की ज़रूरत क्या है? जो आप लोग बिल थोप रहे हैं उसके खिलाफ़ किसान विरोध के खिलाफ यहाँ पर सड़क पर हम लोग बैठे हैं, चूँकि किसान ने यह आह्वान किया था कि सारे भारत के नागरिक किसान को बचाने के लिए हमारे देश में जो काला कानून थोपा जा रहा है उसको बचाने के लिए देश के सड़कों पर बैठे, उसी समर्थन में जन अधिकार पार्टी भी खान चौक पर बैठकर अपना समर्थन किसानों को दे रही है। और लाभ पहुँचाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो सरकार ये काला कानून लाया है जिससे पूरे किसान मरने की स्थिति में आ गए हैं। आज पूरा देश बंद है और सभी किसान से जुड़े हुए जितने भी खेत खलिहान से जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं, सभी संगठन मिलकर के आज भारत बंद किया है और इस भारत बंद के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को ये संदेश देना चाहता हूँ, इस कानून को वापस लीजिए, किसानों को बचाइए। अब जब तक किसान नहीं बचेगा, कृषि नहीं बचेगा, खेत खलिहान नहीं बचेगा, तब तक मुंह का निवाला बचने वाला नहीं है। देश वापस लेने की मांग को लेकर भारत बंद का कॉल किया गया है। किसान संगठनों की ओर से दरभंगा जिले में भी बड़े पैमाने पर ग्रामीण इलाके में बंद है। आज सुबह 5 बजे से ही किसान सड़क पर उतर कर इस बंद को सफल बना रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग करते हैं और हम कहना चाहते हैं जो आज किसान आंदोलन पर जो दमन हो रहे हैं उस दमन पर रोक लगाया जाए। दरभंगा जिले में अभी तक धान क्रय केंद्र शुरू नहीं हुआ है, किसानों के बर्बाद फसल का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। आज इन बातों को लेकर भी हम लोग आज सड़क जाम कर रहे हैं जी। आज भारत के किसानों के समर्थन में संपूर्ण देश के कांग्रेस पार्टी, तमाम महागठबंधन के लोग, यूपीए गठबंधन के लोग किसानों के हित में इस बिल के वापस लेने के लिए भारत बंद का नारा दिया है। नरेंद्र मोदी जी 15 लाख करोड़ के एग्रो मार्केट को देखते हुए फिर पूंजीपतियों का दलाली कर रहे हैं। कल एक भारत के तेल कंपनी बेचे हैं, उसका कीमत 53,000 करोड़ हुआ। उसका कीमत 53,000 कब हुआ? जब 3 रिफाइनरी और 30,000 पेट्रोल पंप और 3,20,00,000 का टर्नओवर है सालाना, जबकि एसआर प्राइवेट कंपनी है, एक पेट्रोल पंप 1500 पेट्रोल पंप और एक रिफाइनरी है, वो 80,000 करोड़ में बिका। देश को दलाली से बेचने का नरेंद्र मोदी के मंसूबों को नाकाम करेंगे। किसान के समर्थन में पूरा भारत बंद है। कांग्रेस पार्टी या तमाम दल हम लोगों के साथ है। देखिए एक बात को देश के लोगों को, देश के नौजवानों को समझना होगा। तो देश में सरकार रावण का हो या सरकार राम का हो, लेकिन बेचारी सीता को ही वनवास जाना पड़ा था। कहने का मतलब ये हुआ जो बेचारा किसान, बेचारा मजदूर, वही आखिर में मरता है। सरकार बैठ के वहाँ पे एसी रूम में अपना पूरा सुख सुविधा ले रही है और किसानों के को अनदेखा। किसान परेशान है और विदेशी गुलामी मंजूर नहीं करना चाहता, कारपोरेट का गुलामी मंजूर नहीं करना चाहता है। किसान जान चुका है जो व्यवसायिक व्यवस्था है, जो किसान से मंडी और मंडी से उद्योग तक सामान जाता था, उस बीच से व्यापारी को हटाया जा रहा है। जब व्यापारी हट जाएगा तो किसान उद्योग का गुलामी में चला जाएगा, उद्योग मोनोपोली रखेगा। उस मोनोपोली के बाद उद्योग मनमाने दर पर किसान का उपज खरीदेगा, मनमाने दर पर बेचेगा। कुल मिला के किसान के लिए भी ये कानून सही नहीं है, न उपभोक्ता के लिए कानून सही है। आने वाला समय में कृषि उपज पर एक अधिकार उपभोक्ता होगा। अभी देख
देख सकते हैं आटा 20 रुपए का आटा 30 रुपए 40 रुपए चावल चावल जो 30 का होना चाहिए 60 100 में बेचा जाता है, दाल 70 का दाल 100 में बेचा जाता है, तेल है। 256 किसान संगठनों ने, किसान संघर्ष समन्वय समिति ने पूरे भारत को बंद का आह्वान किया था, जिसको विभिन्न राजनीतिक दल भी देश भर में समर्थन किया है। बिहार में सीपीआई, सीपीआईएम, भाकपा माले, राजद, कांग्रेस सहित अनेक संगठनों ने समर्थन किया है, जिसका व्यापक असर है। आज सवेरे से हम लोग मार्च कर रहे हैं, सबसे पहले बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को रोके और उसके बाद वहां सैकड़ों कार्यकर्ता ने गिरफ्तारियां दी।